अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे uh, आज हम इस लेक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एफ पी टी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट सो आपकी जो बी पी पी की स्टडी टेक्स्ट है उसमें चैप्टर टू है ये इस चैप्टर में बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिस्कस हुआ आपका और जो की थाट है वो ये है इस चैप्टर का कि बिज़नेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पर इंफ्लुंसेस सरेंडर करता है ऑब्वियसली आप मेरी बात से एग्री करोगे अगर बिज़नेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कस्टमर्स की डिमांड्स ना हो अगर बिज़नेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सप्लायर्स मट रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट सप्लाई ना कर रहा हो सर्विस सप्लाई ना कर रहा हो अगर बिज़नेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो महंगाई हो मारा मारी हो रोज़ाना आए दिन जो है वो हमें नज़र आ रहा है और रेट्स चल रहे हैं पॉलिटिकल पौल, या सिविल वायलेंस की कंडीशन है दंगे फसाद जिनको आप कहते हैं वो चल रहा है तो ऑबियसली इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा एक प्रोडक्ट आती थी जिसका नाम था वी आज वो बड़ा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हुआ करता था बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका आपने नाम सुना हुआ पैनासोनिक नेशनल सोनी हिटाची दे मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन और होम थिएटर सो आज अगर हम बात करें वीसीआर की तो कबाड़ी के ठेले में भी शायद आपको वी पड़ा हुआ नज़र ना आए उसकी वजह क्या है लोगों का जो एंटरटेनमेंट हासिल करने का जो पूरा का पूरा अप्रोच और मैकेज़म है वो चेंज हो चुका है आज हमारे हाथ में जो है वो एक पाम टॉप पीसी नज़र आ रहा है हमें मोबाइल फ़ोन की शक्ल में जिसमें हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं मुख्तलफ़ एप्स पर और इंटरटेन होते रहते हैं आज इवन आपको गेमिंग कंसोल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दैट डिवाइस मोबाइल फ़ोन वो काफ़ी पावरफुल डिवाइस है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा सो so, कहने का मकसद ये है कि मार्केट में अगर कंज्यूमर डिमांड छोड़ देगा एक चीज़ की तो फटाफट कंपनीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो जो एक प्रोडक्ट बना रही थी वो प्रोडक्ट ही उनको अब डिसकन्टिन्यू करना पड़ेगा और कोई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट देना पड़ेगा सोनी so ने वीसी छोड़ा और एरिकसन के साथ कोलैबोरेट कर उन्होंने एक एक्सपीरिया नाम की ब्रांड खड़ी की इन्फ्लुएंस ऑफ एनवाइ ऑन ग्रेटेस्ट ऑफ द छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो बिजनेस का एनवायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने इसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है कि एनवायरनमेंट की कितनी एक तो लेयर्स होती हैं और किस किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो एक बिजनेस पे इम्पैक्टफुल होता है तो याद रखो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ ना इस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है He though layers been divided. So this is your organization, and this is this layer refers to the industry in which you are functioning, and this is your country of operation. तो so, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा घर एक सिटी में है और वो सिटी एक प्रोविंस में और वो प्रोविंस एक कंट्री में है तो इसी तरह से क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडस्ट्री में होती है और वो इंडस्ट्री किसी कंट्री की होती है जैसे टी एस ए की बात करें तो टी एस एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान का पार्ट सो so, हमने दो चीज़ें डिस्कस की यहाँ पर पाकिस्तान एंड एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान सो so, कुछ मीजिएट इन्फ्लुएंसेस आपकी इंडस्ट्री में होती हैं और उसमें सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस है राइवल कॉम्पिटिटर आपका अब ऑब्वियसली आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि कॉम्पिटिटर बहुत ग्रेटली इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस पर पेप्सी और कोका कोला की बड़ी सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम पेप्सी अगर अनाउंसमेंट करती है ना अपने एडवर्टिजमेंट में कि पांच रुपए की बचत दस रुपए की बचत इस लीटर बॉटल पर उस लीटर बॉटल पर तो कोका कोला भी गोइंग रेट प्राइसिंग कर कर उसके साथ चलते यहां पेप्सी ने एक खास लेटर बॉटल पर जो है वो पांच रुपए की बचत दी कोका कोला की भी उस क्वांटिटी ऑफ बॉटल पर जो है वो आपको पांच रुपए की बचत नजर आएगी सो so, मार्केट में इंडस्ट्री में जो आपका राइवल बैठा हुआ वो उसका छोटा सा डिसीजन आपको भी डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है दिस इज द इन्फ्लुएंस दिस इज इफेक्ट सो so, कुछ फोर्सेस आपकी इंडस्ट्री में होती हैं सही कुछ फोर्सेस आपकी इंडस्ट्री में होती हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं और इसी तरह से कुछ फैक्टर्स आपके कंट्री में होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं तो हमने इस चैप्टर में उन अलग अलग फोर्सेस को देखना है और उन अलग अलग फैक्टर्स को देखना है। आप इनशाला पार्ट थ्री का जो पेपर होगा आपका एस बेहतरीन कस्म का पेपर है वो तो उसमें आप ऑबली यही चीजें जाके जो है वो ज़रा क्लोजली और और गौर से देख रहे होंगे सो so ये चैप्टर आपका डायरेक्ट कनेक्टेड है किसके साथ आपके एल के साथ दैट्स ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एफ बी टी है सो so बातें स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंडस्ट्री की फोर्सेज देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो कंट्री के फैक्टर्स देखेंगे सो so इंडस्ट्री की फोर्सेस हमको थोड़ा सा मैग्नीफाई uh, करके एक बंदा है जिसका नाम है माइकल पॉटर उसने बताया है कि अकॉर्डिंग टू हिम एक इंडस्ट्री में फाइव फोर्सेस होती हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई जैसे मीडिया हो गया सो so, इन in सारी इंडस्ट्री में जितने भी कॉम्पिटिटर्स फंक्शन कर रहे हैं वो कितनी फोर्सेस टॉलरेट uh, कर रहे होते हैं टोटल फाइव फोर्सेस टॉलरेट कर रहे होते हैं और इनका नाम पॉटर ने रखा है वन ऑफ दैट फोर्सेज bargaining power of customers bargaining power of suppliers threat of substitutes threat of new entrants and market rivalry so let's start the discussion with rivalry who are rivals rival is basically competitor your opponent so Pepsi ka rival coca-cola is either as a panasonic ka rival sony sony ka rival samsung एच पी के राइवल डेल सो दिस इज़ राइवल और इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राइवल बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स लेकर आ रहा होता है आपके ऊपर कि उसको पता है कि मैंने थोड़ा सा प्राइस मार्केट में प्राइस एडजस्ट हुआ हुआ है और तमाम कॉम्पिटेटर्स तकरीबन लगभग उसी प्राइस के अराउंड सेलिंग कर रहे हैं एक कॉम्पिटेटर अगर एकदम से अपना प्राइस नीचे लेकर आ जाएगा तो मार्केट एकदम से उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज दिस इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कि जब प्राइसेस कम होते हैं तो यूजुअली कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करता है तो जब कंज्यूमर को एक कॉम्पिटेटर के प्राइसेस कम नज़र आएंगे अमंग दूसरे कॉम्पिटिटर्स तो वो तो अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच पर जा रहे हैं ना मार्केट में तुम महंगा तो नहीं ख़रीदोगे सेम लेवल की चीज़ तुम ऑब्वियसली चाहोगे सस्ती मिल रहा है तो जो कॉम्पिटेटर सस्ता प्रोवाइड कर रहा होगा और उसमें तुम्हें वैल्यूफ़ फॉर मनी भी नज़र आ रहा होगा तुम उसकी तरफ शिफ्ट लोगे सो so, इस तरीके से आपके जो राइवल्स होते हैं वो एक नेगेटिव फ़ोर्स लेकर आ रहे होते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेकर आ होती है। आप इतनी एफर्ट करके इतनी मेहनत कर कर एक फोर्स लगाकर आपकी पूरी कंपनी क्या करने चाह रही है रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रही है साल के एंड का प्रॉफिट बढ़ाना चाह रही है और आपका वो जो राइवल है वो अपोजिंग फोर्स लगा रहा है वो धकेल रहा है आपको पीछे की तरफ आप चाहे थे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े उसने प्राइस कम कर दिया अपनी प्रोडक्ट का और सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया किसको दूर कर रहा है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव पर पहुंचने से दूर कर रहा है सो राइवल राइवलरी इज दिस फोर्स और उसके बाद अगर हम बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की तो सबसे पहले तो मैं आसान अल्फाज में बार्गेनिंग पावर आपको एक्सप्लेन कर दू वट इज बार्गेनिंग पावर देखें जी मार्केट में पार्टीज़ जब डील करती हैं तो ज़्यादातर दो ही पार्टीज़ होती हैं सो so, ऑर्गेनाइजेशन उस अपने सप्लायर के साथ डील कर रही हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होल सेलर्स के साथ डील कर रही हो सकती है अब इन पार्टीज़ में से जिसको जिसकी ज़रूरत होती है ना ज़्यादातर उसकी बारगेनिंग पावर कम होती है जिसकी ज़रूरत होती जिस पार्टी को जिस दूसरी पार्टी की ज़रूरत होती है बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए इसकी बार्गेनिंग पार कम होती है और जिसकी ज़रूरत होती है आपको उसकी बार्गेनिंग पार ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट का जो काफ़ी सारे बायर्स हैं लेकिन एक बायर ऐसा है जिससे सेवेंटी परसेंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का सो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेलिंग करती है लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जिससे सेवनटी परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है कराची में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है हैदराबाद में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है सखर में अब बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज कराची का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा जनरेट करके देता है रेवेन्यूस को तो मुझे बताएं आप ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर होंगे तो किस डिस्ट्रीब्यूटर की ज़्यादा सुनेंगे किसकी किसको किसके इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे इसी बात को आप अपने लास्ट सेशन में मैंडेलो की मैट्रिक्स के साथ अगर आप ज्वाइन करके देखें तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका यकीन लेवल ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है अच्छा खासा खरीद रहा है वो आपसे और साथ में उसकी पावर भी ज़्यादा है यही पावर यहाँ पर कस्टमर की बारगेनिंग पावर है आपका कोई सप्लायर है जो कंपोनेंट आपको अपने प्रोडक्ट में जो की कंपोनेंट आपको प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड होता है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है वो सप्लायर आपके कंट्री में अकेला सप्लायर है उस कंपोनेंट का अगर उससे नहीं खरीदेंगे आप तो आपको प्रोडक्ट डिस्कंटिन्यू करना पड़ जाएगा और अगर वो आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है तो उस सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो फिर क्या हो गई ज्यादा बिकॉज आपको उसकी जरूरत है बार्गेनिंग पार का ज्यादा होने का इफेक्ट क्या होता है ये भी सिंपली देख लेते हैं जिस पार्टी की बार्गेनिंग पार ज्यादा होती है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन नेगोसिएशन के वक्त ज्यादा मनवाता है अब मैं आपको बताऊँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो लोग हैं इनमें से मुझे बताओ सोच के कि बार्गेनिंग पार किसकी ज्यादा होगी तुम्हारा जवाब आना चाहिए यूजुअली एम्प्लॉयर की बिकॉज एंप्लॉयर ने एक वैकेंसी रखी हुई है जिसके लिए वो इंटरव्यू ले रहा है और ये वैकेंसी एक अनार है और उसके पीछे सौ बीमार है तो लोग जॉब हासिल करने के लिए जॉब कंटिन्यू करने के लिए एंप्लॉयर की ज्यादातर बातें मानते हुए नजर आ रहे होते हैं बिकॉज देयर इज स्कॉसिटी ऑफ जॉब एंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है कंट्रीज में तो जो मिल रही होती है उस पर लोग जो है वो उसको हासिल करना चाहते हैं और उस पर रहना चाहते हैं सो so, ये जो एक ज़रूरत का एक आप समझें रिलेशन है ये बारगेनिंग पार एक पार्टी की हाई कर देता है जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है जो दे रहा होता है अपॉर्चुनिटी सो so, इसी तरह से हर उस पार्टी की बारगेनिंग पार हाई होगी जो पार्टी इस लेवल पे बैठी हुई होगी कि वो किसी की जरूरत बनी हुई होगी सो अब एज अ बिज़नेस आपको क्या चाहिए आपको ये चाहिए कि आपकी बारगेनिंग पा स्ट्रांगर हो आपके कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर आपके रिलेशन में वीक होनी चाहिए ताकि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा मनवा सकें आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा क्यों मनवानी है क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है वेरी सिंपल एग्जाम्पल आपका कस्टमर आपके आपसे आप आके खरीदता है और वो कहता है कि भाई देखें आप भिजवा दें सामान इतनी सी रिक्वेस्ट की है ना उसने भिजवा दे सामान इसके पीछे कॉस्ट है यू नो वेल यू हैव रेड दैट कॉस्ट लर्न दैट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है ये ये कॉस्ट है कैरेज आउटवर्ड्स की अगर आपको उसकी बात माननी पड़ रही है तो कैरेज आउटवर्ड्स आपने बेयर करना है और अगर आपकी बार्गेनिंग पोजिशन ये है कि भाई देखो हम ये सब चीज़ें नहीं पालते ये सामान यहाँ रखा हुआ है उठाओ और ले जाओ नहीं चाहिए यहीं वापस रख देते हैं हम नाउ इट टेक्स अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग पार्ट टू यूज दैट टोन टू से दैट अब यकीन जब कस्टमर को पता होगा कि आप अकेले सोल्यूशन है उसका अगर आपसे उसने बाय नहीं किया तो वो बाय ही नहीं कर सकता किसी से तो फिर वो कैरेज इन वर्ड पेयर करेगा सो तो इस तरीके से बारगेनिंग पार्ट का इफेक्ट हमें जो है वो नजर आ रहा होता है सो आपकी बार्गेनिंग पार्ट ज्यादा होगी सही है तो आप जो है वो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन मनवा के अपनी कॉस्ट कम कर सकोगे एंड दैट्स द डील आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है एज अ बिजनेस तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट को क्या होना चाहिए मिनिमाइज़ होना चाहिए नाउ टॉकिंग अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स तो इसी तरीके से सप्लायर आपकी दूसरी पार्टी है ना उस आपकी जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें आपका आपके आगे आपका कस्टमर आता है जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद देता है और बैक एंड पर आपका सप्लायर होता है जो भी आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद दे रहा होता है नाउ ये जो एक रिलेटेड पार्टी है आपकी इसकी बार्गेनिंग पावर भी कम होनी चाहिए क्योंकि वही बात है कि इसकी बार्गेनिंग पावर अगर आपके रिलेशन में ज्यादा हो गई तो इससे डील करते हुए कैरेज इनवर्ड्स की कॉस्ट आप लगा रहे होंगे बजाय इसके कि वो आपकी कैरेज आउटवर्ड्स की कॉस्ट लगा रहे हो so, तो यहां मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इंटेल <clears throat> प्रोसेसर बनाने वाला जो कंपनी है उसका जो प्रोसेसर है वो दुनिया भर में ये चीज़ मशहूर है कि टॉप क्लास प्रोसेसर है उसका अमंग अदर ट्राइवल्स एक कंपनी है वाया के नाम से एक कंपनी ए के नाम से है प्रोसेसर बनाती है एक कंपनी मरकरी के नाम से है, जो प्रोसेसर बनाती है हो सकता है आपने मरकरी और वाया का तो नाम भी ना सुना, हो डी का हो सकता है आपने नाम हो बाहर सो अब इंटेल प्रोसेसिंग चिप्स सप्लाई करता है किसको सप्लाई करता है एच को सप्लाई करता है डेल तोशबा सोनी वायो के लिए आ, ये लैपटॉप्स बनाते हैं कंप्यूटर्स बनाते हैं इनको सप्लाई करता है वो चिप्स नाउ, एच एक अपनी ज़बरदस्त ब्रांड है डेल की अपनी एक ज़बरदस्त ब्रांड है प्रस्टेज है उनकी उनकी सेलिंग है ज़बरदस्त कस्म की सो so, इंटेल उनका सप्लायर हो गया नाउ डेल और एच ने इंटेल की बार्गेनिंग पावर को लिमिट कैसे किया हुआ इंटेल सॉरी डेल और एच अपने काफी मशीन्स में ए का भी प्रोसेसर यूज करते हैं सो so इससे उन्होंने इंटेल को जो है वो एक लगाम दे के रखी हुई है कि बेटा कंट्रोल में रहो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है सो so इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस मल्टीप्लाई कर आप क्या करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ अदर पार्टी आप कम करने की कोशिश करते हैं है सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की बात हुई हमारी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात हुई थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स को देखते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं देखें एक होता है राइवल प्रोडक्ट पेप्सी और कोका कोला स्प्राइट और सेवन अप मेरिंडा और फांटा ये क्या है राइवल प्रोडक्ट्स हैं दो कंपनीज एक जैसा प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग ब्रांड नेम्स से मार्केट कर रहे हैं और ऑब्वियसली कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको फेंटा और मेरिंडा को देख लें मेरिंडा पैप्सी की है फेंटा जो है वो कोका कोला की है दोनों ऑरेंज ड्रिंक है दोनों फिजी ड्रिंक्स है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं अब अगर मैं इन ऑरेंज ड्रिंक्स के रिलेशन में एक सब्सटीट्यूट ये तो राइवल हो गए इनके रिलेशन में मैं एक सब्सिट्यूट प्रोडक्ट देखना चाहूंगा तो वो हो गया नेस्ले का ऑरेंज जूस नाउ दैट इज अ जूस दैट इज अ ड्रिंकेबल आइटम बट इट इज नॉट अ कार्बोनेटेड वन वाइटामिन सी ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन कार्बोनेटेड नहीं है नेस्ले का जूस सो so, नेस्ले का जूस और इनके दरमियान क्या रिलेशन हो गया सब्सटिट्यूशन का रिलेशन हो गया इसी तरह से एक कंपनी है हायर एक कंपनी है क्या कहते हैं मित्सबिशी एक कंपनी है ग्री एक कंपनी है कैनवुड क्या बना रही है एसी बना रही है अमंग अदर थिंग्स दूसरी चीज प्रोडक्ट्स भी बना रही है एसी भी बना रही है तो इस लिहाज से ये ए सी ग्री का ए सी कैनवुड का ए सी डॉलेंस का ए सी और अपना जो हायर का ए सी है वो आपस में क्या हो गए राइवल प्रोडक्ट्स हो गए लेकिन फिर देखें ए सी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता अगर ए सी आप लगा भी लें तो फिर ऑब्वियसली चलाना भी होता है तो कुछ लोग ऑब्वियसली उसका चलाना ऑपरेशनल कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते तो वो थोड़ा और सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाते हैं अब अगर सबसे सस्ता सोल्यूशन देखें इसमें तो पंखा है फिर वो उससे थोड़ा सा बेहतर सोल्यूशन देखें ए और पंखे के बीच में तो एक आता है रूम कूलर तो हम ये कह सकते हैं कि वो रूम कूलर एसी का सब्सटीट्यूट है नाउ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या है आपकी इतनी बड़ी सारी मार्केट है जिसमें इतने सारे आपके पोटेंशियल बायर्स हैं आप सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते लेकिन ये जो सब्सटीट्यूट है ना वो काफी सारी मार्केट को आपकी तरफ आने से रोक लेगा अब देखें शदीद गर्मी में अगर सब्सटीट्यूट्स ना होते अगर ये क्या कहते हैं रूम कूलर्स वगैरह ना होते एयर कूलर्स या रूम कूलर्स जो आते कंपनी से ये ना बना रही होती तो फिर क्या होता कुछ ना कुछ कर कर जो बंदा बेचारा जो है वो रूम कूलर अफोर्ड कर सकता है कुछ ना कुछ कर कर वो ए की तरफ जाता तो ए की सेल आज जितनी हो रही है उससे थोड़ी सी बढ़ जाती लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया इन सब्सटीट्यूट्स ने क्योंकि सब्सट्यूशन अवेलेबल है बहुत सारे लोग ये करते हैं रूम कूलर ला के रखा फ्रीजर तो पहले ही चल रहा है उसमें बर्फ़ जमाई वो बर्फ़ डाली उन्होंने पानी में और ठंडियाँ आ रही उनको सामने बैठ गया उसके काम चला रहे हैं तो ये ऑप्शन है मार्केट में तो वो इसके लिए उसकी तरफ जा रहे हैं और एसी नहीं ख़रीद रहे तो एसी की कंपनीज का काफ़ी हद तक जो रेवेन्यू है वो रूम कूलर की वजह से जो है वो डाउन हुआ तो फिर ये एक नेगेटिव फोर्स हमें नजर आ रही है सो so, ये थ्रेट्स हैं के। सब्सिट्यूटिट्यूट वो प्रोडक्ट होगा जो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होगा लेकिन हाँ सिमिलर किस्म की यूटिलिटी वो प्रोवाइड करेगा आपको बेनिफिट तकरीबन वो सिमिलर किस्म का देगा और अगर वो सस्ता ऑप्शन है मार्केट में तो फटाफट वो आपकी आपके काफी सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ घसीट लेगा सो so, इसके लिए देखें ये ए सी वग़ैरह वाली कंपनी रिसर्च करती रही मुस्तकिल और एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गई डी सी इन्वर्टर जिससे बिल पर काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ता तो अब इस ऐसे लोग जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से कॉन्शियस थे और ए सी लगाया जा तो था चलाते नहीं थे और रूम कूलर ला के रखा हुआ था तो जब उनको पता चला कि भाई डी सी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने डी सी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगाई और उनका रूम कूलर बंद हो गया so that's how threat of substitutes work and that's how you neutralize this threat by making your product dynamic suitable for all conditions okay. now number d par phir hame likha hua nazar aa raha hai threat of new entrants dekhen ये जो पर्टिकुलर थ्रेट है ये जो रिस्क है न्यू एंट्रेंट्स का ज़्यादातर market में ये मुस्तकिल face कर रहे होते हैं competitors. सिर्फ एक बिजनेस नहीं तमाम कॉम्पिटिटर्स मुस्तकिल फेस कर रहे होते हैं रिस्क क्यों क्योंकि कोई भी नया मस, एक नया कॉम्पिटिटर आ सकता है मार्केट में एक ऐसा बिजनेसमैन जो बिजनेस पहले नहीं कर रहा था अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो किसी ना किसी मार्केट में तो करेगा ना वो फास्ट फूड सेंटर खोल लिया ऑब्वियसली ही और शी इज अ न्यू एंट्रेंट एक बुटीक खोल लिया तो ऑब्वियसली ही और शी इज अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट अब जब ये न्यू एंट्रेंट आएगा तो ये अपनी जगह बनाएगा जगह बनाने के लिए एक पॉलिसी यूज़ करता है जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी आते हुए शुरू में अपने प्राइस प्रोडक्ट के क्या रखता है ये कम क्यों मोबाइल को विटनेस किया पाकिस्तान में ये करते हुए जोंग को विटनेस किया पाकिस्तानियों ने ये करते हुए कि अपनी जगह बनाने के लिए शुरू शुरू में उन्होंने प्राइसेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट के कम रखे सो so, क्लास ये हरकतें फिर न्यू एंट्रेंट करता है आके और अब अगर वो कर रहा है तो ऑब्वियसली किसका रेवेन्यू कम कर रहा है वो आपका रेवेन्यू कम कर रहा है बिकॉज वो आपका बिल्कुल नया नया कॉम्पिटिटर है और जब वो नया नया है तो वो एफर्ट करेगा ताकि वो एक स्टेबल प्लेस पर पहुंच जाए और उसके एफर्ट से जो है वो फिर ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो, तो कुछ ऐसे कंट्रीज भी होते हैं जहां पर काफी इंडस्ट्री में जो है वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस लिमिट किए हुए होते हैं अब अगर टेलीकोर्स की बात की जाए ये यूफोन वारेट टेलीनर वगैरह जैसी कंपनीज की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस लिमिट कर दिया कि भाई मोबाइल फोन सर्विसेज ऑपरेटर्स को जितने लाइसेंसेस देने थे गवर्नमेंट ने दे दी अब मजीद किसी और को नहीं मिलेगा लाइसेंस लास्ट लाइसेंस जो है वो वारेट को दिया गया था बेशक जोंग वारिद के बाद आया लेकिन पाकटेल एक कंपनी पहले से थी जिसको लाइसेंस मिला हुआ था तो जोंग ने उसको परचेज किया सो जितने लाइसेंसेस देने थे पीटीए कहता है अब हमने दे दी अभी फ़िलहाल फर्दर उनका कोई मूड नहीं है मजीद लाइसेंसेस देने का तो हम कहेंगे कि कम अज़ कम जितने मार्केट में इस वक्त प्रोड्यूसर्स हैं ये कॉम्पिटिटर्स हैं चार पाँच वारिद जोंग वगैरह इनको इस चीज़ का इतमान है कि कोई न्यू एंट्रेंट आने वाला नहीं है लेकिन हाँ थ्रेट अपनी जगह पर अब अगर पी टी ए लाइसेंस अनाउंस कर देता है जैसे हाल ही में हुआ यह है कि के इलेक्ट्रिक को जो है वो लाइसेंस मिला हुआ था सिर्फ इलेक्ट्रिकिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का अब गवर्नमेंट ने जो है वो लाइसेंस अवेलेबल किया है किसी दूर, कोई दूसरी कंपनी कोई दूसरा इन्वेस्टर भी चाहे तो ये काम कर सकता है तो के इलेक्ट्रिक का ये थ्रेट जो है वो पहले मिनिमम था अब थोड़ा सा क्या हो गया बढ़ गया और अगर कोई आ गया न्यू एंट्रेंट तो वो अब बन जाएगा आपका राइवल ये थ्रेट मटेरियलाइज हो जाएगा सो so आप फिर कोशिश करके अपने इस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को भी जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हाउ कैन यू डू डू दैट आप अपनी ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल पे पहुंचाते मार्केट में मेहनत करके एफर्ट करके ये एक एक तरीका है कि न्यू एंट्रेंट्स कितने भी आते रहे लेकिन आपके कस्टमर की नस नस में आपके प्रोडक्ट का आपकी ब्रांड का नाम छुपा हुआ So, इस लिहाज से हमने इंफ्लुएंस इन द इंडस्ट्री देखी <coughs> और ये हमें बताई माइकल पॉटर ने सो so, इस मॉडल को क्या कहते हैं पॉटर्स फाइव फोर्सेस। सो आपने याद रखना है यही पॉटर ने टर्म्स डिफाइन की हैं और इन्हीं टर्म्स में आपने इसको याद रखना होगा मूविंग ऑन फर्दर ये हमने देख ली भाई इंडस्ट्री में क्या फोर्सेस होती हैं और अब हम बात करेंगे कंट्री के फैक्टर्स की सो so, दो लोग हैं जो अपनी बुक में जॉनसन और शोल्स इनके नाम अगेन एस बी एल में आप देखोगे सो so, ये अपनी बुक में जो है वो कंट्री में इंफ्लुंसिस क्रिएट करने वाली सिक्स फैक्टर्स डिस्कस कर रहे और ये सिक्स फैक्टर्स को नाम देने के कि देर आर पॉलिटिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स सोशल टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स दैट पुश प्रेशर्स ऑन 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 अ अ कंपनी बिजनेस नाउ हम एक-एक करके हर फैक्टर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे सो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं अच्छा एक और बात इस पूरे एनालिसिस को आप पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं और यहीं से मैं आपको दो और स्टैंडर्ड्स भी बता दू पेस्ट एनालिसिस भी कहा जाता है इसको और इसके लिए एक और एक्रोनियम यानी निमोनिक यूज़ किया जाता है जिसको आप स्लेप्ट कहते हो अब अगर पेस्ट की टर्म यूज़ की जा रही है तो पी रेफर्स टू पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स ई रेफर्स टू इकोनॉमिक, एस रेफर्स टू सोशल एंड टी रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल और जब स्लेप्ट काियम यूज़ किया जा रहा होता है तो एस रेफर्स टू सोशल फैक्टर्स एल रेफ़र्स टू लीगल फैक्टर्स ई रेफ़र्स टू इकोनॉमिक फैक्टर्स पी रेफर्स टू पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड टी रेफ़र्स टू टेक्नोलॉजिकल एक चीज़ नोटिस करें कि इन स्टैंडर्ड्स में इकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस नहीं किया जाता सो जॉनसन शोल्स ने जो सिक्स फैक्टर्स बताए पेस्टल उसी में सिर्फ इकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है और एक और चीज जो वर्थ नोटिसिंग है वो ये कि जब आप पेस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें लीगल फैक्टर्स का अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि वो पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ ही डिस्कस होते हैं सो so ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ कि आपसे पूछा हुआ है वॉट डज पी स्टैंड फॉर इन पेस्ट एनालिसिस तो फिर आपने ए बी सी में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जिसमें पॉलिटिकल एंड लीगल भी लिखा हुआ होगा इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाता है वॉट डी स्टैंड फॉर इन सिलेप्ट एनालिस उसमें आपने सिर्फ वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें सिर्फ पी लिखा हुआ हो क्योंकि जब आप सिलेप्ट एनालिसिस को देख रहे होते हैं तो पी ओनली स्टैंड फॉर पॉलिटिकल बिकॉज लीगल की अलग से रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती है इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है डस पी स्टैंड्स फॉर इन पेस्टेल एनालिसिस पूरा लिखा हुआ है छः के वर्ड्स, लेटर्स, सॉरी so उसमें आपने सी में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल लिखा हुआ होगा बिकॉज अगेन लीगल फैक्टर्स की अपनी अलग रिप्रेजेंटेशन है सो so अब हम जरा वन बाय वन करके ये फैक्टर्स देखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या मुराद है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से देखें कंट्री की जो भी गवर्नमेंट होती है ना वो पॉलिसीज लेकर आती है ज़्यादातर पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव वर्ड कंसीडर किया जाता है बेसिकली पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड हाँ हमारे यहाँ की डर्टी पॉलिटिक्स ने उसको नेगेटिव वर्ड बना दिया है डर्टी पॉलिटिक्स इज़ नेगेटिव पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट्स द पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कंट्री सो गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग करके कंट्री को जो है वो गवर्न करना है करना, ट्रैफिक की पॉलिसीज़ हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हैं टैक्स की पॉलिसीज़ हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ हैं रूल्स एंड रेगूलेशन्स हैं सो ये सारी की सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनानी होती सो वॉट आर पॉलिटिकल इन्फ्लुंसिस गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग करती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस लेकर आती है टेम्प्रेरी या परमानेंट इन सब का रिस्क आपके पास हमेशा रहता है देखिए जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है ना तो बिजनेस उस पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी चेंज कर सकती है या पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो सकती है और हाँ हर कंट्री में किसी कंट्री में एक साल किसी में तीन साल किसी में पाँच साल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होती है न्यू इलेक्शन होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हाँ एक किंगडम बेस्ड हो सिलसिला तो वहाँ ये रिस्क ज़रा कम होता है बाहर सो अब एक कंट्री में जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी तो वो चेंज आप पर भी एप्लीकेबल होगा फॉर एग्जांपल पहले एक काइंड का मटेरियल यूज़ करने को अलाउ किया हुआ था सही है जैसे एरोसोल्स में पहले एक कंपाउंड यूज़ होता था आई एम श्योर आपने सुना होगा ये सी एफ सीज क्लोरो फ्लोरोबंस सही है, जितने भी बॉडी स्प्रे वगैरह होते हैं और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह होते ठीक है ये फिस पिस प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं इसमें सी एफ सीज यूज होते थे सो so, इनका मसला ये था कि ये ओजोन फ्रेंडली नहीं थे ओजोन डेडली थे ये ओजोन को डिस्टर्ब करते थे ओजोन आपको पता है जो अर्थ के ऊपर लेयर है जो रेडिएशन ब्लॉक करती है सन की तो यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर यह फ़ैसला किया गया कि तमाम कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उन कंट्रीज़ में जो कंपनीज एरोसोल बना रही हैं वो ये कंपाउंड यूज़ नहीं करेंगी तो फिर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इस मैटर में जो है वो सीरियस होकर जो है वो सी की क्या कहते हैं यूज़ेज जो है वो ख़त्म करवाया बैन करवा दिया इसको है, जब आप सी एफ सी जो कि एक सस्ता कंपाउंड होता था वो ख़रीद के पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स वगैरह में एरोसोल्स में आप डालते थे तो अब जब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बैन कर दिया पॉलिसी चेंज हो गई तो फिर ऑबियसली को कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इफेक्ट पड़ा अब वो जो ऑल्टरनेटिव है वो मोर कॉस्टली भी हो सकता है अब अल्कोहल यूज़ होता है उसके लिए तो अब वो प्रोडक्ट मोर कॉस्टली भी है अब पूरी मार्केट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा सही है कॉस्ट भी जो है वो बढ़ेगी प्रोडक्शन की और रिलेटिवली जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा सो so इस किस्म के चेंजेस को आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं सो देयर इज पॉलिटिकल रिस्क हमेशा बिजनेसमैन एक रिस्क एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो सकती है सो so कभी ये रिस्क ज्यादा होता है अब आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की अपोजिशन से नहीं बन रही Uh, सही इस तरह का कोई मसला है पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह जैसी सिचुएशन है तो दे ये रिस्क बढ़ा हुआ होता है कि यार अच्छा खासा हमने इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अपने बिज़नेस को एडजस्ट किया था अपनी फैक्ट्री में चेंजेस किए थे अब अगर ये गवर्नमेंट गिरती है कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो पता नहीं क्या नई पॉलिसी बनाती है और फिर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इसलिए आप ये नोटिस करो कि जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो शुरू शुरू के डेज़ में जस्ट आफ्टर इलेक्शन शुरू शुरू के डेज़ में इन्वेस्टर रुका हुआ होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो थोड़ा देखना चाह रहा होता है कि ये जो अभी पानी में खूब बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी ये ठहरती कहाँ पर है उसके बाद फिर वो देखता है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी जब उसको रिस्क का अंदाज़ा हो जाता है कि रिस्क ज़्यादा या कम है ठीक है जी इसी तरीके से नेक्स्ट देखें फिर लिखा हुआ पॉलिटिकल चेंज रिस्क तो था अब अगर वो मटेरियलाइज हो गया ठीक है गवर्नमेंट चेंज हो गई या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो फिर ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ इम्पेक्ट तो ज़रूर पड़ना है आपके बिज़नेस पे टैक्स की पॉलिसीज चेंज होती हैं इम्पैक्ट पड़ता है सीधा सीधा बिज़नेस पे ठीक है जी फिर गवर्नमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन के डिसीजनस लेती है एक इंडस्ट्री में एक ख़ास तादाद में जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट अगर चाहती है कि आवाम की नीड है मज़ीद प्रोड्यूस होना चाहिए इस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है तो गवर्नमेंट दूसरे इन्वेस्टर्स को फिर मौका देगी फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आ सकती है लोकल इन्वेस्टर को इस तरफ शिफ्ट कर सकती है गवर्नमेंट या उससे कह सकती है कि भाई तुम्हारा एक बिज़नेस तो ये चल रहा है अगर तुम इस किस्म का बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो हम तुम्हें जो है वो टैक्स क्रेडिट्स देंगे तुम्हें टैक्स रिलीफ देंगे दस साल तक तुमसे टैक्स नहीं लेंगे प्रॉफिट्स पर इस तरीके से गवर्नमेंट कंट्री की कैपेसिटी एक्सपेंड करती है एक चीज़ जिसकी एक्सपोर्ट गवर्नमेंट समझती है कि अच्छी हो सकती है कंट्री को सपोर्ट कर सकती हैं वो एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को बूस्ट करती है सो so, इस तरीके से गवर्नमेंट कैपेसिटी एक्सपेंड करती है किसी भी इंडस्ट्री की एंड वॉट इज कैपेसिटी ऑब्वियसली वॉल्यूम के एक इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर जाने के काबिल बने फिर गवर्नमेंट इज अ ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ डिमांड मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट की या तमाम प्रोडक्ट्स की डिमांड को मैनेज किस कौन कर रहा होता गवर्नमेंट कर रही होती ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट की डिमांड को मैनेज करे लेकिन हां कर रही होती है और इसका बहुत सिंपलेट टूल जो है ना वो है सेल्स टैक्स आप अगर सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर प्राइस बढ़ जाएगा और यहां प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर डिमांड कम कर लेगा अब आप अगर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा रहे तो इससे आप ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है पूरे कंट्री की ओवरऑल डिमांड को पैट डाउन कर रहे हैं और अगर आप इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट पर एक हायर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर रहे हैं। और वाइस वर्सा अगर आपने टैक्स जो है वो कम कर दिया तो डिमांड आप बढ़ा देंगे इसी तरह से इसी तरह से गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है डाइवेस्टमेंट और रेशनलाइजेशन के ये सिंपल वर्ड्स में क्या है डाइवस्टमेंट और रेशनलाइजेशन गवर्नमेंट अक्सर अपने अक्सर यूनिट्स को जो है वो प्राइवेट ओनर्स को बेच देती है जैसे ये पाकिस्तान ने देखा है के ई एस सी वॉज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया प्राइवेटाइज कर दिया इसको कहते हैं डाइवेमेंट फिर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी पी टी सी एल डैट वॉज टोटली नेशनलाइज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया शेयर्स उसके मार्केट में अवेलेबल कर दिए किसी ग्रुप को वो शेयर्स बेच दिए अब सारे बेचे या नहीं बेचे कुछ अपने पास रखे लेकिन बेचे इसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट भी जो है वो जनरेट करवाया गवर्नमेंट ने उसमें खैर रैशनलाइजेशन इज द अपोजिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के एक अच्छा खासा सेक्टर एक इंडस्ट्री चल रही है गवर्नमेंट ने हमला कर दिया उस पर चलो भाई प्राइवेट ओनर्स से वो सेक्टर अपने कंट्रोल में ले लिया ऐसे नहीं कि छीन लिया उनको कुछ ना कुछ दे दिला के फारिग किया चले भाई सो so, पाकिस्तान दो दफा इस चीज़ को आ, मतलब आ, पाकिस्तान में एक चीज हो चुकी है कि जितने भी सारे बैंक्स हैं वो प्राइवेट थे वो नेशनलाइज किए जा चुके हैं फिर प्राइवेटाइज किया फिर नेशनलाइज किया फिर प्राइवेटाइज किया तो अभी तक तो प्राइवेटाइजेशन चल रही है बैंक, बैंकिंग सेक्टर में नंबर सिक्स पर फिर देखें क्या लिखा हुआ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज फिर ऐसा भी है कि गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को इमर्ज करवाती है कंट्री में अब इंडस्ट्री इमर्ज करवाने के लिए अक्सर ये डिसीजनस लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी फॉरेन प्रोड्यूसर को लेकर आया जाए क्योंकि आपका जब फॉरेन प्रोड्यूसर आते हैं ना देखें एक इंडस्ट्री आपके कंट्री में चल ही नहीं रही थी तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी जरूरी है वो आपके कंट्री में थी ही नहीं सो so, जब आप फॉरन प्रोड्यूसर को लेकर आते हैं ना तो वो किस कही कहीं ना कहीं कंट्री में वो काम कर रहा होता है पहले से तो जब आप उसको दावत देते हैं तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आता है आपकी कंट्री में उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है आपको वो टेक्नोलॉजी पता चलती है उसकी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक इंडस्ट्री को इमर्ज करवाते हैं जैसे के और मैकडोनल्ड्स से पहले पाकिस्तान में ब्रोस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी हाँ ब्रोस्ट बनाते थे लोग घरों में प्रेशर कुकर्स वगैरह में ये होता था काम लेकिन ब्रोस्टर्स नहीं थे जिस लेवल के एफ़ और आपको मैकडोनल्ड्स में नज़र आते ज्यादा से ज्यादा आप बाहर जाके अगर बर्गर खाना चाह रहे हैं तो वो अंडे वाला बर्गर खा सकते थे आप लेकिन जब ऑब्वियसली एडवेंट ऑफ के और मैकडोनल्ड्स हुआ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने इजाजत दी इन प्रोड्यूसर्स को लेकर आई बाकायदा गवर्नमेंट ने इनको सो so, ये अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए वो ब्रोस्टर्स लेकर आए क्योंकि हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में फंक्शन कर रही थी तो फिर यहाँ पर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई और वो ब्रोस्टर्स यहीं मैन्युफैक्चर भी किए जाने लगे फिर वो जो बाबा जी ठेले पर अनने वाला बर्गर बना के बेचते थे उन्होंने कहा चलो ठीक है उसी जगह फास्ट फूड सेंटर खोलते हैं एक ब्रोस्टर ला के रखते हैं और अपना लम्बा चौड़ा मेन्यू कार्ड बनाते हैं फिर तो उन उन्होंने फिर जिंगर भी बनाना शुरू किया उन्होंने फिर क्वार्टर और फुल और हाफ ब्रोस भी देना शुरू किया सो क्लास गवर्नमेंट ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को बैक एंड पे कंट्रोल कर रही होती है जितनी अच्छी गवर्नमेंट होती है उतनी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करती है वरना बातें करती है सिर्फ ठीक है जी नंबर सेवन पे देखें फिर क्या लिखा हुआ मेरे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन ये क्रैश चल रहा है तो इमर्जिंग इंडस्ट्री में मैं आपको चलें फूड फॉर थाट देता हूँ मुशरफ़ के दौर में आपने देखा कि आपकी जो आई इंडस्ट्री है आपका जो मीडिया है उसको बोस्ट मिला है सो so, इसी तरह से ऑन द अदर हैंड देर इज एन अपोजिट टू इट ठीक आप अगर आपकी गवर्नमेंट मुल्क का सबसे बड़ा दादा है अगर वो किसी इंडस्ट्री को इमर्ज uh, करवा सकता है तो ऑन द अदर हैंड किसी इंडस्ट्री को वो डिस्करेज भी कर सकता है क्विक uh, एग्जाम्पल आपका जो uh, यहाँ खुलना शुरू हुए थे शीशा बार्स सो so, बहुत ही मतलब वेरी सून गवर्नमेंट ने सो वो स्विफ्ट डिसीजन लेकर उन शीशा बार्स को बैन करवाया तो क्या पता वो आगे जाके शीशा बार बनता फिर वो एक तरीके से ताश के पत्ते और लूडो वगैरह खेलने की जगह बन जाती फिर वहाँ आता ऐसा ड्रग्स वगैरह भी शुरू हो जाती तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए ऐसे कोई बार यहाँ पर नहीं चाहिए हमें तो एंट्री बेरियर लगा दिया गवर्नमेंट ने उधर बैन कर दिया टोटल एक्टिविटी को तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक टोटल एक्टिविटी को बैन कर दे एंट्री बैरियर लगा दे इसको भी एंट्री बैरियर कहते हैं और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी कि पी ने लाइसेंसेस लिमिट किए हुए अब मजीद किसी मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोड्यूसर को लाइसेंस देने का इरादा नहीं रखता पी इसको भी कहते हैं एंट्री बेरियर कि जितने आ गए वो आ गए अब मजीद कोई न्यू एंट्रेंट नहीं आएगा फिर गवर्नमेंट अच्छा खासा कंपटीशन भी कंट्रोल करती है आप कंपटीशन आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं भाई तो आप नए नए प्रोड्यूसर को एक मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं एक इंडस्ट्री को जब आप इमर्ज करवा रहे हैं तो और इसी तरह से गवर्नमेंट अक्सर ऐसे भी करती है कि अगर गवर्नमेंट को नज़र आ रहा होता है कि कुछ बिज़नेस बेहतर फंक्शन नहीं कर रहे या जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं इलीगल तो नहीं है लेकिन उनका इम्पेक्ट जो है वो आवाम पर अच्छा नहीं पड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज कर रहे क्वालिटी पर झूठ बोल रहे हैं उनका इम्पेक्ट अच्छा नहीं रहा आवाम पर तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो जो थोड़े सेम बिज़नेसमैन हैं जो थोड़े बेहतर पोलाइट बिजनेसमैन हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सब्सिडाइज कर दें उनको फंड्स प्रोवाइड करें सब्सिडीज़ दे अब जब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आएगी तो फिर आगे गवर्नमेंट कुछ रिक्वायर भी करती है उनसे कि देखो हम पैसे तो दे रहे हैं तुम्हें सब्सिडी तो दे रहे हैं लेकिन बदले में हमें तुमसे ये चाहिए अब अगर गवर्नमेंट उनसे ये कह रही है ये लो सब्सिडी लेकिन अपना प्राइस कम करो तो ये तो बोथ वेज उस बिजनेसमैन के लिए बेहतर हो गया ना इधर से उसको मिलने पैसे और गवर्नमेंट कह रही है प्राइस कम करो तो वो जो उसकी प्राइस कम करने की वजह से जो कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी वो गवर्नमेंट पैसे दे के उसको कवर करवा रही है रिजल्टेंट जो मतलब इसका है वो क्या निकल रहा है कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी सो so, जिन कॉम्पिटिटर्स को आपने डिस्करेज करना था उनके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को आपने दे दी सब्सिडी ऑटोमेटिकली लोग उनकी कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट होंगे और जिनको आपने मार्केट्स आउट करना था वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे आपको उनको बैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ग्रेजुअली उनकी सेल्स कम होते होते हो सकता है वो आउट हो जाए मार्केट से सो so ये एक एग्जाम्पल है कंपटीशन को कंट्रोल करने की इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खैर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अब ऑब्वियसली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कंट्री और आपके कंट्री के बिजनेस दोनों को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है तो यकीनन किसी और कंट्री के एक गवर्नमेंट इंपोर्ट्स बढ़ाने का डिसीजन ले रही है तो यकीनन किसी और कंट्री के एक्सपोर्टर से आपके कंट्री का इंपोर्टर इंटरेक्ट कर रहा है और अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का डिसीजन ले रही है तो किस आपके कंट्री का एक्सपोर्टर जो है वो किसी कंट्री के इंपोर्टर से डील कर रहा है इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है बिजनेसिस पड़ रहा है गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हाँ सियालकोट में एक इंडस्ट्री वो की जाए ठीक ये वाले जो इस इस ग्रेड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो आ, आ, आपके जो है वो एक्सपोर्ट होने चाहिए फिशरी में फ़िश फूड है सारा का सारा सी फूड है उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया जा रहा है इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया जा रहा है बाकायदा क्या कहते हैं आ, एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया जा रहा है कि किस क्वालिटी का किस ग्रेड का प्रोडक्ट जो है वो कौन से कंट्री भेजा जाएगा so इस तरीके से करके गवर्नमेंट बहुत हद तक इंटरनेशनल ट्रेड को भी मैनेज करती है और इन सारे गवर्नमेंट के डिसीजन का इम्पैक्ट किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है वो फिर हम फर्दर इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ से स्टेट